बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाइनीज़ किचन। तो व्यूअर्स, आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट स्विस रोल। बहुत दिनों से जो है वो मेरा भी दिल कर रहा था और बड़ा इसका फरमाइश भी आ रही थी कि आप चॉकलेट स्विस रोल्स नहीं बना रही हैं, तो ये है कि आज मैंने कहा चलें ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेना है यहाँ पर 1/2 कप मैदा और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये चूँकि मैंने मैदा छान के ही रखा होता है, लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपने हर दफ़ा इसको छान के ही डालना है, तो ये हमने डाल लिया। उसके बाद हमने डाली कोको पाउडर, ये भी हमारे पास तकरीबन 1/3 कप है, ठीक है। इसको भी हमने छान लेना है। और मेजरमेंट्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये हो गया, ये हमने डाल लिया। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ये लीजिए जी, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हमने इनको मिक्स कर लेना है। और सबसे पहले हम बनाएंगे स्पॉन्ज केक इसका, स्विस रोल का। उसके लिए हमें 4 अंडे भी चाहिए और चीनी पिसी हुई, ठीक है। तो वो फिर अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसको मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो जो भी हमें इसमें ऐड करनी होंगी। तो केक का प्रोसीजर वही सिंपल जैसे हम स्पॉन्ज केक बनाते हैं। अंडे ले लेंगे हम 4 और उनको चीनी के साथ हम बीट करेंगे। जी, तो अंडे 4 ले लिए हमने और चीनी जो है वो 2/3 कप पिसी हुई लेनी है हमने। और ये 2/3 कप पीसने से पहले है, पीसने के बाद नहीं, ठीक है। अब हम इनको अच्छा सा बीट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए कितना लाइट एंड फ्लफी हो चुका है, कलर भी इसका देखें कितना लाइट हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। ऑयल जो है वो 2 टेबलस्पून डाला मैंने। अब डालेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और साथ साथ बीट करेंगे। सारा हम क्लीन कर लेंगे ताकि सारा जो है बटर एक जैसा हमारा मिक्स हो जाए। जी, तो व्यूअर्स, अब हम इसको एक पैन जो हमने रेडी किया हुआ है उसमें हम इस बटर को डाल देंगे। तकरीबन 8 to 10 inches का आपने पैन लेना है। और ओवन, जैसे कि मैं आपको पहले ही कहती हूँ कि बेकिंग से पहले आपने सबसे पहले ओवन जो है वो ऑन करना होता है, क्योंकि ओवन को प्री हीट होना ज़रूरी है 10 to 15 मिनट पहले। इसको हम सारा फैला लेंगे और इसको हमने 180 डिग्री पे तकरीबन 10 टू 12 मिनट्स बस बेक करना है। ये हमने केक की तरह इसको 25 या 30 मिनट्स नहीं बेक करना, ठीक है। ये मैंने इक्वल कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा टैप भी कर लेंगे। ये देखिए बबल्स जो हम निकल रहे हैं। और अब हम इसको तकरीबन 10 टू 12 मिनट्स 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे। तो 10 टू 12 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे और इसके बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे दूसरे काउंटर पे। ये देखिए, यहाँ मैंने बटर पेपर बिछाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर जो है वो डस्ट कर दिया है। अब हम इसको इसके ऊपर फ्लिप करेंगे जब ये थोड़ा 5-10 मिनट के बाद थोड़ा सा ये हाथ लगाने की जो है ना वो बेरेबल हो जाएगा। तो ये लीजिए जी, इसको मैंने फ्लिप कर लिया। अब हम आराम से इसके ऊपर जो है ये बटर पेपर ऊपर वाला हम उतार लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा स्पॉन्ज केक रेडी है। आराम से उतार लिया। अब हम इसको इसी उसमें रोल कर लेंगे, सॉफ्ट हाथों से, लेकिन थोड़ा सा प्रेस कर, लेकिन सॉफ्ट हाथों से।
बटर पेपर के अंदर ही, सॉफ्ट हाथों से लेकिन थोड़ा प्रेस कर। और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। मीन बाइल हम इसकी जो फिलिंग है वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सही से हमारा रोल तैयार हो गया। अब हम इसको ट्रे में, सीधी ट्रे में रख के इसको हम फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो अब हम फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग के लिए मैंने ले लिया है जनाब 120 ग्राम व्हिपिंग क्रीम और तकरीबन मैंने ली है 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट सेमी स्वीटन्ड। या इस तरह इसको मैंने इस तरह कर लिया और 120 ग्राम मैं इसमें डालूंगी व्हिपिंग क्रीम और इसको फिर हम डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, चॉकलेट को और क्रीम को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसीजर करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने जो है डबल बॉयलर पे इसको चॉकलेट को क्रीम के साथ मिक्स कर लिया। ये देखिए बिल्कुल जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी फिलिंग का जो अगला प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, ठीक है। लीजिए व्यूअर्स, तो ये बाउल भी मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था और ये क्रीम जो है व्हिपिंग क्रीम 240 ग्राम ये हमने ले लेनी है और इसको हमने इतना बीट करना है कि इसके स्टिफ पीक्स बन जाए। तो मौसम अगर गर्म है ज़्यादा तो आप इसके नीचे आइस क्यूब्स रख सकती हैं, लेकिन अभी जो है ये मैंने फ्रीजर में से निकाली है तो ये शायद मेरे ख्याल में आराम से हो जाएगी। तो चलिए इसको बीट करते हैं। ये बिल्कुल पीक्स बन चुके हैं। अब हम इसमें मेल्टेड चॉकलेट जो है वो ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम जो हमने अपनी फिलिंग बनाई हुई है वो हम इसके ऊपर लगाते हैं और सारा हमने फिल कर देना है, पूरा हमने फिल करके इसको रोल कर लेना। तो मैं आपको लगा के इसे वहाँ दिखाती हूँ। ये हमने अच्छी तरह से रोल कर दिया। अब हम इसको तकरीबन एक घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे, फाइनल टच देंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी है। बनाएं, इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।